हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया, दिवाली स्पेशल करंजी गुजिया। तो यहाँ पे हमने ले लिया मैदा 1 किलो, जिसमें हमने यहाँ पर 300 ग्राम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिक्स करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर और ऐड करेंगे, तो पहले इतना मिक्स करते हैं। यहाँ पे हमने घी को गला करके लिया है, ठंडी थी तो जमा था। जब भी आप घी को लें तो गला लें। तो यहाँ पे हम सारा घी ऐड कर दिए हैं, आप देख पा रहे हैं कि घी एकदम से ऐड कर दिया, 250 ग्राम बचा नहीं है। तो 1 किलो मैदे पे यहाँ पे हमने 250 ग्राम देसी घी का इस्तेमाल किया है मिक्स करने के लिए, ताकि अच्छा से सॉफ्ट और करारी क्रिस्पी गुजिया हमारी बन कर के तैयार हों। तो फ्रेंड्स, यही होता है, इसमें अच्छे से घी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी हमारी स्वादिष्ट और डिलीशियस यमी बन कर के गुजिया तैयार होंगी। तो अब हम इसका एक नॉर्मल सा डो बना करके तैयार करेंगे, बिल्कुल गुजिया जैसा, ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो अच्छे से हम इसका डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमने डो को तैयार कर लिया। अब हम इसको ढक करके 10 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे और चलते हैं गैस की तरफ। पहले इलायची ले लेंगे 8 से 10, इनका हम कूट के दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 बड़े टेबल स्पून देसी घी का इस्तेमाल किया है। इसमें हमने सूजी ऐड कर दिया 250 ग्राम। सूजी इसलिए ऐड किया जाता है ताकि फटे नहीं गुजिया और ज़्यादा से ज़्यादा स्वाद आ जाए। हमारी गुजिया बहुत ही क्रिस्पी और करारी बने, इसलिए हमें सूजी का इस्तेमाल करना। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक भूनेंगे रवा को, जब तक अच्छे से खुशबू ना आ जाए। तो अच्छे से भून लिए हैं हमने सूजी को। अब यहाँ पर आधा किलो खोए का इस्तेमाल करेंगे, हमारे घर का खोया है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम दूध लाकर घर में ही तैयार किए हैं, और घर में जब हम बनाते हैं खोया तो एकदम अच्छा बनता है, कोई मिलावट नहीं होती, और घी भी उसमें रहता है जो दूध में रहता है, घी मलाई से निकल जाता है बाज़ार में, तो इसमें वो रहता है जब हम घर पर खोया तैयार करते हैं, तो इसलिए घर का खोया बहुत ही अच्छा होता है। तो हमने अच्छे से खोया और सूजी को मिक्स कर लिया है, और अच्छे से चलाते हुए हमको यहाँ पर 20 से 30 मिनट लग गया है, और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, गरी है, किशमिश, चिरौंजी, काजू, बादाम, पिस्ता, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बारीक टुकड़ों में जिनको हमने काटा था। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने जो कूट के दरदरा इलायची पाउडर रखा उसको ऐड कर देंगे, और इसलिए हमने बड़े दाने कूटे हैं ताकि हमारी गुजिया में बड़े बड़े दाने रहें और स्वाद बहुत अच्छा दें। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग बन कर के तैयार है। तो यहाँ पे अब हम भूरा ऐड करेंगे, तगार, यहाँ पे अब हम 250 ग्राम तगार ऐड करेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से रखें, आपको जितना पसंद है उतना ऐड करें, और ज़्यादा तो कम, ज़्यादा डाल दें, अगर कम पसंद है तो कम ऐड करें। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग बन कर के तैयार है। तो हम इसको एक कटोरी में बाहर कर लेंगे ताकि स्टफिंग हमारी ठंडी हो जाए, और चलते हैं डो की तरफ। तो डो हमारा सेट हो गया अच्छे से, अब हम इसके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। तो यहाँ पे हम एक लोई बनाएंगे और आपको दिखा दें, उसके बाद हम सारी बनाएंगे, नहीं तो वीडियो फ्रेंड्स बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बड़ी सी लोई बनाएंगे और इसको बेलेंगे, अगर चकले पर आती है तो ठीक, नहीं तो हम इसको एक बड़ी सी थाली में बेलेंगे। तो ये देखिए, इसमें नहीं आ रहा, तो हमने यहाँ थाली का इस्तेमाल किया, थाली पर बेले हैं और खिसके ने इसके लिए नीचे हमने अच्छे से एक पैर लग रख लिया था। तो अच्छे से यहाँ पे 4 पूड़ियाँ हमने काट लिया है। 4 पूड़ियाँ काटने के बाद अब हम अच्छे से काटेंगे ताकि अलग हो जाएं, और इनकी हम गुजिया बनाएंगे बिना सांचा के। तो आप भी इस तरह से अपने घर में ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 4 पूड़ी, और निकालने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम बिना सांचे के गुजिया बना करके तैयार करते हैं। तो हम इनको, इसको वापस से कपड़े से ढक कर रखेंगे, नहीं तो ये सूख जाएगा, तो बेलने में बहुत ही दिक्कत होती है, फिर हवा लग जाती है। तो अब हम इसको बाहर कर लेंगे और एक गुजिया भर करके आपको दिखाएंगे। तो दिवाली स्पेशल अच्छी सी गुजिया हम आपको बना करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आप एक बार मौका दें आगे बढ़ने का, ताकि हमारे वीडियो देख करके आप अगर कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और अच्छा से अच्छा काम करने का फ्रेंड्स। तो प्लीज़ हमारा हौसला बढ़ाएं
और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दें। तो यहाँ पे हम पानी लगाएंगे कॉर्नर पे ताकि हमारी गुजिया खुले नहीं, अच्छे से लगा देंगे। एक बार स्पून की सहायता से इकट्ठा कर लेंगे, नहीं तो बाहर निकलेगा और अगर किनारे पे आ जाएगा स्टफिंग तो गुजिया हमारी फट सकती है, इसलिए बीच में ही रखें। ऐसे करके इसको आपस में जॉइंट कर देंगे और जॉइंट करने के बाद हम इसको एक फॉग से डिजाइन का आकार देंगे। जैसा डिजाइन सेम सांचे में होता है वैसे डिजाइन का आकार देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना ईजी है गुजिया बनाना, साइड का किनारा भी नहीं बच रहा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो एक बार से आप भी इस तरह से ट्राई करें फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी एक गुजिया बनकर के तैयार है। अब हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे। ये देखिए हमारी गुजिया बनकर के तैयार है, लग रही है ना एकदम सांचे जैसी। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बना करके तैयार करें। तो चलते हैं गैस की तरफ और हमने सारी गुजिया बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी गुजिया में बबल्स उठाएंगे जो कि अच्छी नहीं बनेंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसलिए हमको मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है। तो इनको ऐड कर देंगे और आराम आराम इनको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऑयल ना ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है पूरी तरह से। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारी गुजिया ऐड कर देंगे। अब सारी गुजिया ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे से चलाएंगे, इस तरह से एक एक तरफ से ऐसे पलटेंगे और एक एक तरफ से ऐसे पलटते हुए हम इनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक अच्छे से पकाएंगे, समोसे की तरह बिल्कुल। अगर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो फ्रेंड बहुत ही क्रिस्पी गुजिया बन करके तैयार होती है। हाई फ्लेम पर गुजिया को कभी ना तले, नहीं तो बहुत बेकार लगती है, वो सॉफ्ट हो जाती है, चिपक जाती है रखने के बाद। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारी गुजिया फ्राई हो गई हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और इतनी करारी हैं कि समोसे जैसी, देखिए खटखट की आवाज़ भी आ रही है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी और डिलीजियस स्वादिष्ट गुजिया बनकर के तैयार है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से बना सकते हैं अपने घर पर, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो पूरा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी ये रेसिपी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी गुजिया गर्मा गर्म बन करके दिवाली स्पेशल तैयार है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।